अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी शॉर्ट वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, आपकी वीडियो की रैंकिंग अच्छी नहीं जा रही, तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ 3 दिन के अंदर आप अपनी वीडियो की रैंकिंग भी अच्छी कर सकते हैं, अपनी शॉर्ट वीडियो पे व्यूज भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे ये देखें, हमने वीडियो अपलोड की 13 अप्रैल को, सिर्फ 3 दिन पहले। इस वीडियो की आप रैंकिंग देखें, वो भी अच्छी जा रही है और व्यूज भी बढ़ रहे हैं। और सबसे मजे की बात, कुछ ही दिनों के बाद यही वीडियोस मिलियंस में आना स्टार्ट हो जाती है। जब मिलियंस में आती है तो ये वीडियो आपको यहाँ पे दिखती है। अब यहाँ पे ये देखें, आपके सामने शॉर्ट वीडियोस हैं। अगर व्यूज देखें आप, 8.5 मिलियन व्यूज, 7.3 मिलियन व्यूज। अगर मैं आगे स्क्रॉल करता जाऊं, आपको हर वीडियो पे मिलियंस में व्यूज दिखाई देंगे। तो व्यूअर्स, इन वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज क्यों आ रहे हैं और आपने अपनी वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज कैसे लाने हैं, इसके लिए आपको माइंड का यूज करना पड़ेगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा, तभी आपकी शॉर्ट वीडियोस यहां पे आएंगी और आपकी शॉर्ट वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे ये देखें, मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूं, ये आपके सामने सारी शॉर्ट वीडियोस हैं और अलग अलग कैटेगरी की शॉर्ट वीडियोस हैं, लेकिन हर वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। तो दोस्तों, किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी शॉर्ट वीडियो को ट्रेंडिंग वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। यहां पे ये देखें, आपको दिखाई दे रहा है। तो अब बात आती है कि आप भी अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कराना चाहते हैं, ट्रेंडिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने शॉर्ट वीडियो को अलग तरीके से क्रिएट करना होगा, बनाना होगा, और उसके बाद जब आप अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने YT स्टूडियो और यूट्यूब से शॉर्ट वीडियो को अपलोड नहीं करना होगा, तभी आपकी शॉर्ट वीडियो ट्रेंडिंग वीडियो के नीचे आएगी और आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल जाएगी। तो दोस्तों, अब आपने शॉर्ट वीडियो को कहां से अपलोड करना है और अपनी शॉर्ट वीडियो को बनाना कैसे है कि आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल जाए, आइए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता ही देता हूं। लेकिन उसके लिए एक ही चीज जरूरी है, मैं आपको बता दूं, आपने वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना, अदरवाइज आप वहीं के वहीं रहेंगे, आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं बढ़ने वाले। तो मेरे चैनल का नाम है AK एजुकेट, यानी कि आपको एजुकेट करना, आप लोगों को यूट्यूब सिखाना, इसलिए आपने वीडियो को वॉच पूरा करना है और अपनी वीडियो को वायरल कराना है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये कल के हमारी वीडियो के विनर हैं, आप इनके चैनल को सपोर्ट करें, इनके चैनल का लिंक मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर कर दिया है। और अगर इसी तरह आप भी अपने चैनल की प्रमोशन कराना चाहते हैं, तो आपने करना यह है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। अगर आप विनर आएंगे तो आपके चैनल की प्रमोशन मैं बिल्कुल फ्री में कर दूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब शॉर्ट वीडियो को वायरल कराने के लिए आपने जो शॉर्ट वीडियो क्रिएट करनी है, जो बनानी है, वो आपने कैसे बनानी है? सबसे पहले आपने आ जाना है YouTube पे। अब YouTube पे मैं स्क्रॉलिंग करता हूं, नीचे आता हूं, यहां पे हमने ढूंढनी है कोई ट्रेंडिंग वीडियो। ये देखें, आपके सामने एक वीडियो आ चुकी है, 2 दिन पहले अपलोड हुई और इस पे 9,41,000 व्यूज हैं। तो दोस्तों, हमें ट्रेंडिंग वीडियो मिल चुकी है, हम इससे अपनी वीडियो को वायरल करा सकते हैं। लेकिन वायरल कराने के लिए आपको तरीका समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने इस वीडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे ये वीडियो ओपन हो जाए, अब यहां से हमने अपनी शॉर्ट वीडियो को बनाना है, कोई भी हमारी इतनी मेहनत नहीं लगेगी, कोई भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, हमारी शॉर्ट वीडियो आसानी से बन जाएगी, जिस पे कोई भी कॉपीराइट किसी तरह का भी इशू नहीं आएगा, हमारा चैनल भी मोनेटाइज होगा। तो यहां से हम शॉर्ट वीडियो को बना लेंगे, उसके बाद हमने अपलोडिंग देनी है, अपलोडिंग के दौरान कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करना है, फिर जाके हमारी शॉर्ट वीडियो वायरल होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिमिक्स का, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है साउंड का, दूसरा मिलता है कोलैब का। अब अगर आप ट्रेंडिंग म्यूजिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं, वहां से वायरल कराना चाहते हैं, तो आपने किसको यूज करना है, साउंड को यूज करना है। अगर आप ट्रेंडिंग वीडियो से वीडियो को वायरल कराना चाहते हैं, तो आपने कोलैब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कोलैब वाले ऑप्शन पे। तो दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहां से हमने अपनी शॉर्ट वीडियो को क्रिएट करना है। सबसे ऊपर देखें, आपको 15 सेकंड दिखाई दे रहे हैं कि आप अपनी शॉर्ट वीडियो 15 सेकंड की बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम अपनी वीडियो इससे भी ज्यादा की बनाएं, मैं यहां पे क्लिक करता हूं, तो ये आपके सामने 60 सेकंड आ चुका है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, नीचे यहां से पकड़ना है, इसको स्क्रॉल करना है आगे। तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कराने के लिए यहां से कोई वायरल पार्ट निकालता हूं। तो वायरल पार्ट हमने कैसे निकालना है, ये देखें, हम आगे भी स्क्रॉल कर सकते हैं, जहां से हमें कोई अच्छा पार्ट मिले हमने उसको सिलेक्ट करना है। अब ये देखें, 26 सेकंड का जो पार्ट है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, यहां से क्रॉप कर लिया है। अब वीडियो को बनाने के लिए करना क्या है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं, आपने भी सेम ऐसे करना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा।
तो ये देखें ऊपर उस बच्चे की वीडियो आ रही है जो ट्रेंडिंग में जा रहा है और नीचे मेरी वीडियो आ रही है, तो इसको कहते हैं कोलैब। अब वीडियो को क्रिएट करने के लिए आप इसमें बोल भी सकते हैं, आपको माइक का ऑप्शन मिलता है, अगर आप बोलना ना भी चाहें आपकी मर्जी, बस आपने ट्रेंडिंग वीडियो से अच्छा सा पार्ट निकालना है, जैसे ये मैंने निकाल लिया है। ठीक हो गया, मैं रेड वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें हमारी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, तो ये आपके सामने वीडियो क्रिएट हो रही है। अब ये वीडियो क्रिएट हो चुकी है, मैं क्या करता हूँ क्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये देखें हमारी वीडियो रेडी होके आ चुकी है, कुछ भी टाइम नहीं लगा है। ये वो तरीका है जिससे ट्रेंडिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियो जाएगी। हमने वीडियो तो क्रिएट कर ली, अब हमने इसको अपलोडिंग के दौरान कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, मैं पेंसिल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ थंबनेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने भी अच्छा सा थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है जो आपको अच्छा लगे। ये मैंने थंबनेल सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा थंबनेल भी सिलेक्ट हो चुका है, वीडियो भी क्रिएट हो चुकी है। अब हमने करना क्या, यहाँ से वीडियो को अपलोडिंग दे देनी है। हमने यहाँ से कुछ भी नहीं करना क्योंकि हम वो तरीका अपना रहे हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में जा रहा है, जिससे वीडियो वायरल हो रही है। बस आपने यहां से अनलिस्टेड रखना है और अपलोड शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। मैं भी अपलोड शॉर्ट पे क्लिक कर देता हूं। तो ये देखें यहां से हमारी वीडियो अपलोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे आपकी यहां से वीडियो अपलोड हो जाए, अब आपने YT स्टूडियो में नहीं आना, आपने क्रोम ब्राउजर के अंदर आ जाना है। क्रोम ब्राउजर के अंदर आपने अपनी वीडियो को ओपन कर लेना है। जैसे ये देखें आपके सामने मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, टैग्स हो गए, कुछ सेटिंग्स होंगी उनको हमने ऑन करना है, लेकिन ज्यादा हमने कोई डिस्क्रिप्शन टैग्स नहीं लगाने क्योंकि YouTube उस वीडियो को वायरल नहीं करता जो चैनल हर वीडियो में एक ही तरीका अपनाता रहे। तो आपने एक्सपेरिमेंट करना होता है, तरीके चेंज करने होते हैं, तभी आपकी वीडियोस आगे निकलती हैं। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, टाइटल यहाँ पे लिखते हैं। ये देखें मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ। अब टाइटल आपने कैसा रखना है, कोई अच्छा सा सस्पेंस वाला रखना है, शिराजी फादर फेस रिवील्ड। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर ये बच्चा बता रहा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ ओ माई गॉड, इस तरह थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे हमने अपनी वीडियो का टाइटल लिख देना है। टाइटल लिखने के बाद अब हमने आ जाना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब डिस्क्रिप्शन में आप एक चीज देखें, टाइप एट द रेट टू मेंशन आ चैनल। YouTube आपको खुद कह रहा है कि यहाँ पे आप एक चैनल को मेंशन करें। अब किस चैनल को मेंशन करना है कि आपकी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएंगे, जिस चैनल की वीडियो के साथ आपने कोलैब किया है। यहाँ पे ये देखें मैं मेंशन करता हूँ, ये आपके सामने ऊपर चैनल आ चुका है, 1.47 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। मैं इस चैनल को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक हो गया, हमने चैनल को यहाँ पे मेंशन कर दिया, हमारा टाइटल भी हो चुका है। टाइटल के अंदर हमने एक हैशटैग भी लगा दिया है शॉर्ट्स वाला जो ट्रेंडिंग में होता है। अब इसके बाद नीचे हम आ जाते हैं, हमने कोई यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं लगाने, हमने अपनी इस वीडियो के अंदर हैशटैग का यूज करना है। कौन से हैशटैग यूज करने हैं जो हमारी वीडियो को वायरल कराएं, ये देखें हैश शॉर्ट्स, हैश वायरल, हैश ट्रेंडिंग, 55 मिलियन वीडियोस। तो उसके बाद हमने उस चैनल का भी हैशटैग लगाना है जिसपे हमने वीडियो बनाई है। ये देखें हैशटैग शिराजी विलेज व्लॉग, इसको भी लगा दिया। इसके नीचे भी हमने एक से दो हैशटैग लगा दिए। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ा सा हमने काम करना है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, मैं शो मोर पे क्लिक करता हूँ, नीचे टैग्स आ जाते हैं। ठीक है, अब टैग्स में हमने सबसे पहले क्या काम करना है, जो हमारी वीडियो का टाइटल था उस टाइटल को हम कॉपी करते हैं। मैं ऊपर आता हूँ, इसको कॉपी किया, अब सबसे पहले मैं इसको डिस्क्रिप्शन में रखता हूँ ऊपर। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने इसको फिट कर दिया, एट द रेट हमारा इसके नीचे आ गया। अब नीचे आते हैं टैग्स में, मैं टैग्स में भी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये टैग्स लगाने के बाद अब हमने वायरल टैग्स लगाने हैं जो हमारी वीडियो को वायरल कराने में हेल्प करें। अब वायरल टैग्स कौन से होते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें वायरल शॉर्ट्स, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, अब इसके बाद कुछ और वायरल टैग्स हैं मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखें बाकी वायरल टैग्स भी मैंने लगा दिए हैं, आप सेम यही टैग्स अपनी वीडियो के अंदर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टैग्स लगाने के बाद, डिस्क्रिप्शन टाइटल लगाने के बाद, अब बारी आती है कैटेगरी की। कैटेगरी आपने कौन सी चूज करनी है इस पे आपने माइंड लड़ाना है। मैं नीचे करता हूँ, ये देखें मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया। अब हमने जो वीडियो बनाई है जो शॉर्ट में कैटेगरी ट्रेंडिंग पे जाती है वो कौन सी है, पीपल एंड ब्लॉग। आपने क्या करना है, पीपल एंड ब्लॉग सिलेक्ट कर देनी है अपनी वीडियो को बूस्ट दिलवाने के लिए। जैसे आपकी वीडियो पे बूस्ट आ जाए फिर आपने अपने चैनल की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी यही कैटेगरी है फिर तो दी बेस्ट है। तो ये आपके सामने मैंने पीपल एंड ब्लॉग कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली। तो दोस्तों कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अब मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आती है विजिबिलिटी। अब आपने विजिबिलिटी क्या रखनी है, एक घंटा आपने अपनी वीडियो को अनलिस्टेड रखना है, या फिर आपकी वीडियो की अपलोडिंग का टाइम हो चुका है तो आप अपलोड कर दें, अदरवाइज टाइम रहता है तो एक घंटा आप अनलिस्टेड रखें।
तो मैं इसको एक घंटा अनलिस्टेड रखूंगा, उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, पब्लिक कर दूंगा। पब्लिक करने के बाद मैंने सेव पे क्लिक कर देना है। ये देखें तो ये मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों यहां तक तो हमारा काम हो चुका है कि हमने अपनी वीडियो के अंदर उन चीजों का यूज किया है जिनसे हमारी वीडियो वायरल होगी, और हमने अपनी वीडियो को क्रिएट भी उस तरह से किया है जिससे हमारी वीडियो ट्रेंडिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएगी, जिस तरह उन वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आ रहे थे। तो दोस्तों अब यहां तक तो काम हो गया, आपकी वीडियो भी इंशाल्लाह निकल जाएगी, उस पर व्यूज भी आ जाएंगे। लेकिन इससे आगे का जो इंपॉर्टेंट काम होता है जिससे आपका चैनल ग्रो होता जाता है, वीडियोज मजीद वायरल होती जाती है, उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपकी जो वीडियो भी वायरल जाए, जिस पे भी ज्यादा व्यूज है, आपने ये करना है उसके रिलेटेड आपने दोबारा से वीडियो बनानी है। अगर आपने अपनी वीडियो के अंदर कोई म्यूजिक ऐड कर रखा है ट्रेंडिंग, उसकी वजह से ट्रेंडिंग पे जा रही है, तो आपने म्यूजिक को यूज करना है। अगर कोई वीडियो ऐड कर रखी है जैसे ये मैंने की है, अगर यहां पर ट्रेंडिंग में जाए तो आपने वीडियो के रिलेटेड ही दोबारा से वीडियो बनानी है। इससे आपका मजीद आगे निकलता जाता है और देखते ही देखते आपका पूरा चैनल वायरल हो जाता है। दोस्तों ये है वो तरीका जिससे आजकल वीडियोज ट्रेंडिंग में जा रही है, वीडियोज पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ आ चुका होगा और आप अपनी वीडियोस के अंदर अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई करें और आपको रिजल्ट मिले, तब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना है कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। इंशाल्लाह आई होप आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप अच्छा फीडबैक देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ, अगर आज की मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।